ठीक है, शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 में हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन। हमने पीछे पढ़ी डेसिमल से, हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी। आज हम देखने जा रहे हैं हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पिछले दो हमने प्रोसीजर इस्तेमाल किए, वो था एक्सपेंशन मेथड और उसके साथ था रिपीटेड डिवीजन मेथड। आज हम जिस मेथड से हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे वो है 4-बिट सिस्टम। सबसे पहले किसी भी नंबर को जो हेक्साडेसिमल का दिया गया है उसकी हर वैल्यू को बाइनरी की 4-बिट के साथ क्या करना है, कन्वर्ट कर दें। और इसके लिए हमें एक टेबल जो है वो मदद करेगा, जिसकी मदद से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है 0। अब हेक्साडेसिमल का 0 है और बाइनरी के अंदर इन चारों बिट को 0 के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। हमारे पास, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये 4-बिट सिस्टम है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये ऐसा बिट सिस्टम है जो अपने से हर दफ़ा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे कि मोबाइल्स की आपने देखा होगा 1 GB रैम है, 2 GB है, 4 GB है, इसी तरह से ऑनवर्ड जो है, इसी तरह से मेमोरी कार्ड भी जो है, फ्लैश भी है। तो ये अपने से हर वैल्यू से क्या होते हैं, दुगने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0। अब इन चारों वैल्यूज़ में देखें कहीं 0 है, नहीं है ना, तो इन तमाम को बारी बारी क्या कर दें, 0 कर दें। तो इट्स टाइम, हमारे पास 0 हेक्साडेसिमल का है, ये कन्वर्ट हो चुका है बाइनरी की 4 बिट्स के अंदर है, 4 डिजिट्स के अंदर। यहाँ 1 है, अब इन तमाम के अंदर 1 मौजूद है, जिसके नीचे 1 है जो मौजूद है, यानी कि इधर से हेक्साडेसिमल की वैल्यू इस बाइनरी की 4 बिट के अंदर अगर मौजूद है तो उसे ऑन कर दें, बाकियों को क्या कर दें, ऑफ कर दें। ऑन हमेशा किससे होता है, 1 से, बाकियों से क्या होता है, वो ऑफ हो जाता है 0 से। इसी तरह से हमारे पास 2। अब यहाँ देखें इसमें क्या है, हमारे पास 2 अवेलेबल है, 2 के नीचे क्या कर दें, 1 लिख दें, यानी ये इस टाइम हमारे पास ऑन पोजीशन में है, बाकी सारे क्या हैं, ऑफ हैं। इसी तरह से हमारे पास 3। अब 3 की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन 3 हमारे पास 2 वैल्यू के मिलने से बनता है, 2 और 3। 2 और 1 जो है मिलकर क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। तो 2 को भी ऑन कर दें और 1 को भी ऑन कर दें, बाकी दोनों वैल्यूज़ को क्या रहने दें, ऑफ रहने दें। इसी तरह से 4 बिट वाली मौजूद है, 4 को क्या कर दें, ऑन, बाकियों को क्या कर दें, ऑफ कर दें। इसी तरह से 5 नहीं है, लेकिन 4 और 1 के मिलने से 5 बनता है, इन दोनों को क्या कर दें, ऑन कर दें, बाकियों को ऑफ कर दें। 6 है हमारे पास हेक्साडेसिमल का, 6, 4 और 2 को क्या करें, ऑन कर दें, बाकियों को, दोनों डिजिट्स को क्या कर दें, ऑफ कर दें। ऑफ हमेशा 0 से रिप्रेजेंट होता है। हमारे पास है 7। 7 हमारे पास 4, 2 और 1 के मिलने से बनता है, तो 4, 2 और 1 ये तीनों बिट ऑन हो जाएंगी और 8 वाली बिट हमेशा क्लोज रहेगी। अब हमारे पास 8 आ गया है, तो 8 यहाँ मौजूद है, 8 वाली बिट को क्या कर दें, ऑन, बाकियों को कर दें ऑफ। इसी तरह से 9 है हमारे पास, 8 और 1 के मिलने से बनता है, 1001 हमारे पास ए। अब ए क्योंकि डेसिमल के अंदर हमारे पास है 9 तक डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9, और हेक्सा के आखिरी जो 6 डिजिट हैं वो ए बी सी डी और ई एफ हैं। ए जो है वो 10 के बराबर है, तो हमारे पास 8 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। 8 को ऑन कर दो और 2 को ऑन कर दो, बाकी दोनों को ऑफ। इसी तरह से हमारे पास क्या है, बी 11, 8, 0, 1, 1, यानी कि 1 को भी ऑन कर दिया और 2 को भी और 8 को भी। इसी तरह से हमारे पास है सी, यानी 12, 8 और 4 को अगर हम मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, 12 बनता है, 8 वाली बिट ऑन है और 4 वाली बिट ऑन है, बाकी दोनों बिट क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास डी इज इक्वल टू 13, 8 वाली बिट ऑन, 4 वाली बिट ऑन और 2 वाली ऑफ और 1 वाली ऑन। इसी तरह से ई, यानी 14,
8 और 2 10, 10 और 4 14, यानी ये तीनों बिट पहली क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, आखिरी वाली ऑफ। इसी तरह से 15, 15 में ये सारी बिट क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। अब अगर हमारे पास कोई भी यहाँ से हेक्साडेसिमल का डिजिट हो और आप उसे बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हो, तो ये सबसे आसान तरीका है कि इस टेबल में से उस बाइनरी हेक्साडेसिमल की वैल्यू देखें और उधर से उसकी जगह पे पुट कर दें। मैं यहाँ एग्जांपल एक शो सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमारे पास है जी ए 2 3, ये है किसकी, हमारे पास हेक्साडेसिमल की, जाना कि इसमें हमने बाइनरी में, तो ए हमारे पास किसके बराबर है जनाब, ए हमारे पास 10 के बराबर है। तो 10 हमारे पास किस बाइनरी से मिलना मिलकर बना था, 1 0 1 0 1 0 1 0। 2 किसके बराबर था हमारे पास, 0 0 1 0। 2 बराबर है हमारे पास 0 0 1 0। और हमारे पास नेक्स्ट है 3 3, किसके मिलकर से बना हुआ है, 0 0 1 1। 3 = 0 0 1 1। अब क्या करना है आपने कि जैसे ये वैल्यू है इसी तरह से इन वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर दें। ए 2 3 base 16 बराबर है 1 0 1 0 0 0 1 0, और हमारे पास आ जाएगा 0 0 1 1। ये = है हमारे पास बाइनरी के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हर हेक्साडेसिमल वैल्यू को आप कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, बाइनरी की 4 बिट के अंदर। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लगी हो तो स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू।